बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, एम डी कैट सीरीज़ के हवाले से हमारी ये पहली वीडियो होने जा रही है। एम डी कैट सीरीज़ में अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ जो डिस्कशन यूट्यूब के अपने चैनल पे किया है, उसमें पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया या किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक बताई। आज ये पहली वीडियो होगी जिसमें हम एक चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, और इस तरीके से हमारी कोशिश होगी कि हम एक एक करके सारे चैप्टर्स को, एम डी कैट के जितने भी टॉपिक्स हैं, सबको डिस्कस करें। अब देखें, हमारा डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, तो भाई बात शुरू होती है केमिस्ट्री से। इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक से डिस्कशन है, लेकिन उन तमाम डिस्कशन को करने के लिए पहले आप लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। कौन कौन सी डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड हैव द आइडिया ऑफ द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री को हम लोग डिफाइन करते हैं तीन तरीके से। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, कॉम्पोजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ अ मैटर। किसी भी मैटर के स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को, कॉम्पोजिशन को, एप्लीकेशंस को पढ़ने का नाम केमिस्ट्री है। और क्या होता है? इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड केमिस्ट्री एनर्जी। मैटर का एनर्जी में और एनर्जी का मैटर में जो कन्वर्जन होता है, इन कन्वर्जन्स को भी केमिस्ट्री की हेडिंग में पढ़ा जाता है। एंड द लास्ट थिंग, के ऑल द लॉज एंड प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज इंटर कन्वर्जेंस, के जिन लॉज और प्रिंसिपल के तहत हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि मैटर एनर्जी में या फिर एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो रही है, तो उन तमाम लॉज और प्रिंसिपल को हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब देखो भाई, ये जो एम डी कैट की केमिस्ट्री है ना, इसमें क्या है कि टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीके कार अलग होता है। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हवाले से अगर कहूँ तो आपको मालूम सब होना चाहिए, लेकिन उसका पेपर में जो क्वेश्चन बनेगा वो कैसे बनेगा, वो ज़रूरी नहीं है कि आपने जैसा पढ़ा हो वैसे ही सवाल बने, या जो मैंने बता दिया वही सवाल बने, या जो थ्योरी में पढ़ा वही सवाल बने। सवाल जो पेपर में बनेगा, जो एप्टीट्यूड टेस्ट में बनेगा, वो दो से तीन तरीके का हो सकता है। वो रिकॉल पे हो सकता है, यानी कि नॉलेज जिसको बोलते हैं, वो एप्लीकेशन पे हो सकता है, इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आ सकता है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है। तो ये चंद एक बातें होती हैं जिनकी बेसिस पे हमारे सवालात एम डी कैट में बनते हैं। तो एम डी कैट के इस पहले चैप्टर के हवाले से अगर आप डिस्कशन करें, तो भाई केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ये हमारी डेफिनेशन, तीनों पॉइंट्स आपको मालूम होने चाहिए। इस फंडामेंटल्स के चैप्टर में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें अगर हम अपनी बात को, तो बात ये बनती है कि व्हाट इज अ मैटर। ठीक है जी, एनीथिंग
डेट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड सम स्पेस. हर वो शय जिसका जरा सा भी मास हो और वो जरा सा भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, ऑक्यूपाई सम स्पेस या ऑक्यूपाई सम वॉल्यूम, तो उस शय को हम लोग मैटर के तौर पे कंसीडर करते हैं. अब भाई मैटर की क्या बात है कि मैटर का जब आप लोग डिस्कशन करते हैं तो मैटर कैटेगराइज होता है दो तरीके से. ये एमडीकेट के हवाले से बात करो, मैटर इनिशियली डिवाइड होता है दो क्लासेस में. मैटर में आप लोग प्योर सब्सटेंसेस भी पढ़ सकते हैं, मैटर में आप लोग मिक्सचर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. प्योर सब्सटेंसेस या मिक्सचर्स, प्योर सब्सटेंस फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड होंगे कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं आइदर वो कोई एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, प्योर है तो वो या तो कोई एलिमेंट है या फिर कोई कंपाउंड हो जाएगा. और जो मिक्सचर्स होते हैं वो मिक्सचर्स फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं. एक को बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर और एक को कहते हैं हेटरोजेनस मिक्सचर. अब यहाँ पे मॉलिक्यूल कंपाउंड एक एक बात अगर आप ये डिस्कस करना चाहें तो बहुत सारी बेशुमार बातें आ जाएंगी डिस्कस करने की, ये बातें खत्म नहीं होंगी. देखिए जितने फंडामेंटल में आप जाने की कोशिश करेंगे उतना आपका डिस्कशन बनता रहेगा. केमिस्ट्री के अंदर केमिकल सब्सटेंस, सब्सटेंस इज अ फॉर्म ऑफ मैटर दैट हैज अ कॉन्स्टेंट केमिकल कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई. केमिस्ट्री के अंदर सब्सटेंस से मुराद ये है कि जिसकी केमिकल कंपोजिशन कॉन्स्टेंट रहे और कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हों. अब ये जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं ये डिवाइड होते हैं एलिमेंट्स में और कंपाउंड में. एलिमेंट्स में जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो भाई जहन में आता है स्टूडेंट के, सर वो तो एटम है. अरे भाई वो एलिमेंट है, उनका एक सिंगल एटम होगा. तो एलिमेंट के हवाले से बात करें तो व्हाट आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के हवाले से हमारे पास बनती है कि इट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटम्स. एलिमेंट कहते हैं ऐसे केमिकल सब्सटेंस को जो एक ही तरीके के एटम से मिलके बना हो, जिसकी वजह से ये आप ये कह लें कि मजीद टूट नहीं सकता, ठीक है, जिसकी वजह से ये मजीद टूट नहीं सकता. आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट्स, किसी एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होंगे उन सब का एटॉमिक नंबर सेम होगा. ये बात तो बहुत बेसिक सी है, सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, या फिर आप कह लें कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है जी. कंपाउंड्स की बात की जाए, व्हाट आर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या होंगे,
तो कंपाउंड्स की एक बेसिक सी डेफिनेशन तो ये होती है कि जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, उसको कहते हैं कंपाउंड। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हों, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड इनटू वन सब्सटेंस थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। अब कंपाउंड्स के हवाले से मैं आपको एक बात बता दूं, वैसे तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे मैटर की, और मैटर से हम लोगों ने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का डिस्कशन किया। जब आप बेसिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे होते हैं, फंडामेंटल्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन आता है जिसको कहते हैं एटम्स। एटम्स के हवाले से याद रखिएगा, एटम्स की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, यही डेफिनेशन हमारे जहन में आती है ना। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर मैं लिखता हूँ एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर, तो ये डेफिनेशन गलत है, क्योंकि एटम में एटम से छोटा न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, और ये तो वो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो हम लोग यूजुअली डिस्कस करते हैं। इससे छोटे और सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। तो एटम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज दी इनडिविजिबल और स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बट वी कैन राइट इट डाउन इन अ मैनर के स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच कैन पार्टिसिपेट इन अ रिएक्शन। कि एटम से छोटे जो भी पार्टिकल्स होंगे वो रिएक्शन में खुद से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये सबसे छोटा वो पार्टिकल है किसी मैटर का जो रिएक्शन में हिस्सा ले सके। इससे छोटे अगर कोई पार्टिकल है तो वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ये रिएक्शन में हिस्सा लेने वाला सबसे छोटा पार्टिकल। अब एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब देखिए, ऊपर कंपाउंड की बात है, नीचे बात हो रही है मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स के हवाले से जहन में रखिएगा, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय दी कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय दी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, बाय दी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। अब यहाँ पे एक काम की बात जहन में रखिएगा, एक गलत कॉन्सेप्ट बच्चे अपने जहनों में बना लेते हैं या कोई भी कहीं पे लिख देता है और बच्चे उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसको याद रख लेते हैं। मॉलिक्यूल्स की सबसे ऑथेंटिक और सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है? कि मॉलिक्यूल उस वक्त बनेंगे जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में होंगे कंबाइंड। इट मींस कि मॉलिक्यूल्स की कितनी टाइप हो सकती हैं? मॉलिक्यूल्स की टाइप होंगी कि मॉलिक्यूल कैन बी डायटोमिक, और मॉलिक्यूल्स कैन बी पॉली एटॉमिक। एक गलत कॉन्सेप्ट बच्चे कुछ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद अपने जहन में ले आते हैं कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, देयर कैन नॉट बी अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल।
जो अगर कहीं आपको ये कहे कि भाई मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नहीं हो सकते। मॉलिक्यूल्स की तो बेसिक डेफिनेशन ही ये है कि मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा एटम्स की कॉम्बिनेशन हो। हाँ, जो गैसेस होती हैं तो वी कैन से मोनो एटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, पॉली एटॉमिक गैस, बट मॉलिक्यूल कैन आइदर बी अ डायटॉमिक और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें भी फिर मजीद क्या बात होती है कि जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम लोग फर्दरली दो कैटेगरीज में डिवाइड पढ़ सकते हैं। एक को हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरा हेट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स या हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जस्ट लाइक H2, ठीक है, H2, Cl2, Br2, O2, एटसेट्रा, दे ऑल आर होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एंड हेट्रो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास क्या क्या आ सकता है? HCl आ जाएगा, HF आ जाएगा, और दूसरे कंपाउंड्स आ जाएंगे जो दो मॉलिक्यूल से, दो एटम से मिलके बने हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट एटम्स हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में तो बेशुमार एग्जांपल्स हो सकती हैं, CH4, NH3, H2SO4। अब देखो यहाँ पे जो बात मैंने जिस सोच के तहत शुरू की थी ये बात, वो ये थी कि अगर मैं आप लोगों से कहूँ, एक MCQs आप लोगों के आगे डिस्कस करूँ कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज अ कंपाउंड ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो भाई आप कंपाउंड की डेफिनेशन देखें, कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए और एक एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स हो सकते हैं, यानी कि कंपाउंड्स की डेफिनेशन होगी, कंपाउंड्स की एग्जाम्पल सॉरी क्या होगी, HCl ये कंपाउंड है, H2O कंपाउंड है, CO2 कंपाउंड है, SO2 कंपाउंड है, कि कम से कम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स। अगर एक ही एलिमेंट हो, मिसाल के तौर पे H2, मिसाल के तौर पे Cl2, तो दे आर नॉट अ कंपाउंड, दे आर नॉट अ कंपाउंड, दे आर ओनली अ मॉलिक्यूल, दे आर नॉट अ कंपाउंड। तभी अगर आपको याद हो तो हम लोग बचपन में एक फ्रेज पढ़ते थे कि ऑल कंपाउंड, एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल, एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल बट नॉट एवरी मॉलिक्यूल इज अ कंपाउंड। हर कंपाउंड एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि हर कंपाउंड में कम से कम दो या दो से ज्यादा एटम्स की कॉम्बिनेशन है, लेकिन हर मॉलिक्यूल एक कंपाउंड नहीं है, बट हर मॉलिक्यूल एक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल में सिर्फ दो या दो से ज्यादा एटम्स की कॉम्बिनेशन की बात है, जबकि कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स, यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन की बात होती है। तो इससे क्लियर ये हुआ कि जो ऊपर ये क्वेश्चन गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कंपाउंड है, H2 और O2 मॉलिक्यूल तो है लेकिन कंपाउंड में काउंट नहीं हो सकते। ठीक है जी। अच्छा, ये कुछ बेसिक सा डिस्कशन करने के बाद कहानी आती है कुछ मजीद डेफिनेशंस की, जिनमें से एक डेफिनेशन बनती है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के हवाले से लाजमी याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कि इट इज
द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स काफी हद तक हम लोग सिर्फ इतना ही कहते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2017 में या 2018 में, 2017 या 2018 में एमडीकेट में ये सवाल आया था एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन का, ठीक है, मेरा अगर ख्याल सही है तो 2018 में आया था सवाल, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मार्क करना था, क्योंकि आगे ये बात मेंशन नहीं थी कि न्यूट्रल एटम है या चार्ज एटम है, तो इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अदरवाइज आप ये कह सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम में जो प्रोटॉन की तादाद है और जो इलेक्ट्रॉन की तादाद है वो एटॉमिक नंबर होती है, लेकिन आप सिर्फ एक जनरली एटम की बात कर रहे हैं, उसमें न्यूट्रल या चार्ज का जिक्र नहीं है, तो हम लोग सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कंसीडर करेंगे। ये याद रखिएगा, फॉर एवरी न्यूट्रल एटम, फॉर एवरी न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेट इज वाई जो हम लोग पढ़ते हैं कि आयन का कॉन्सेप्ट जो पढ़ते हैं वो इसी वजह से आता है। आयन क्या होते हैं? चार्ज्ड स्पीशीज, आयन्स आर द चार्ज्ड स्पीशीज, एंड दीज चार्ज स्पीशीज विच आर formed when an atom gains or lose electron. तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो आयन बना देता है। आयन हमारे पास पढ़े जाते हैं दो टाइप्स के, केटाइन एंड दी एनायन। केटाइन आर दी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, केटाइन्स आर दी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, एनायंस आर दी नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है भाई, कैटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, उसकी भी वजह मैं बताता चलूं। भाई मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसमें प्रोटॉन्स 8 हुए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 हुए। अब मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके ऊपर हो गया -1 का चार्ज। क्यों? क्योंकि 8 के बाद इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। अब 8 प्लस के चार्ज थे और 8 माइनस के चार्ज थे, ओवरऑल न्यूट्रल था, लेकिन अब 8 प्रोटॉन है और 9 न्यूट्रॉन है, सॉरी 9 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए ना, -1 का चार्ज बन रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तभी हमने कहा कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 का चार्ज, अगर ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स तो फिर क्या बात होगी कि ऑक्सीजन के हवाले से देखा जाए तो 8 प्रोटॉन थे और अब इसने 10 इलेक्ट्रॉन गेन, अपना 10 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने का 10 इलेक्ट्रॉन की तादाद हो गई है। अब इसमें आप खुद देख के बता दें, -2 का चार्ज बन रहा है ना, तभी जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर -2 का चार्ज आ जाता है, ठीक है भाई। तो इससे एक बात ये भी क्लियर हुई कि ऐसा दो एक दो बार एमडी कैट में हुआ है,
हालांकि बहुत आसान सवाल है लेकिन पूछा गया है, तो उस हवाले से आप क्लियर रखें अपने माइंड में कि एटॉमिक नंबर से आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात पूछ सकते हैं, यानी कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे 12 और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 12। लेकिन अगर मैं कहूँ क्लोरीन -1 में प्रोटॉन्स कितने होंगे तो भाई इसमें होंगे 17 प्रोटॉन क्योंकि एटॉमिक नंबर 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 18 क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इसी तरीके से अगर बात करें हम लोग कैल्शियम +2 की जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे, इसमें प्रोटॉन्स होंगे 20 लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18 क्योंकि इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, +2 का चार्ज इसमें मौजूद है। तो ये वो चंद एक बातें होती हैं, बहुत ही बेसिक सी बातें होती हैं जिनको हम चलते हुए पढ़ते हुए जाते हैं और इनमें से कभी भी अचानक से एक सवाल बन के आ जाता है। अच्छा अगर कोई मुझे ये कहे कि भाई इतने बेसिक सवाल तो एमडी गेट में नहीं आ सकते, सर आप ये बातें क्यों बता रहे हैं, काम की बात बताएं, तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ। 2018 2018 एमडी गेट, ठीक है, और ये भी बता दूं 2019 से पहले तक जो एमडी कैट होते थे वो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी का अलग होता था, ठीक है, लेकिन 2017 से पहले तक हर यूनिवर्सिटी का अलग होता था, 17 से कलेक्टिव होना शुरू हुआ, सिंध की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और फिर 2020 से तो नेशनल एमडी कैट की बात हो गई, 20 21 22 नेशनल एमडी कैट रहा। तो 2018 के एम कैट के अंदर सवाल किया था कि मॉलिक्यूलर मास पूछा गया था, किसका पूछा गया था, H2O का पूछा गया था। अब कोई इस सवाल को देख के मुझे बता दे कि यार इतना आसान सवाल एमडी गेट में क्यों पूछा गया, तो भाई एमडी गेट का कुछ भरोसा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल बात पूछ लेगा, आसान से आसान बात पूछ लेगा, एमडी गेट आपकी एप्टीट्यूड को चेक कर रहा होता है, आपका प्रेशर हैंडल करना, आपका डेडलाइन को मीट करना, आपका एक एक चीज रिकॉल करना है, अप्लाई करना है, हर एक चीज को टेस्ट कर रहा होता है। एमडी कैट इज अ वेल अरेंज्ड वेल डिजाइन टेस्ट, ठीक है, इसमें चंद गलतियां हो जाती हैं टेस्ट बनाने में, लेकिन इज अ वेल डिजाइन टेस्ट कि ये इस बात को क्लैरिफाई करता है कि वो स्टूडेंट जो आगे चल के डॉक्टर बनने जा रहा है, जिसने एमबीबीएस करना है, जिसने बीडीएस करना है, क्या वो इतना काबिल है कि वो एमबीबीएस या बीडीएस कर सके, क्या वो चीज़ों को रिकॉल कर सकता है, क्या वो चीज़ों को अप्लाई कर सकता है, क्या वो किसी इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकता है, क्या वो डेडलाइन जो गिवन डेडलाइन है उसमें तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, क्या वो आसान सवाल को देखते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइट तो नहीं होता, क्या वो मुश्किल सवाल को देखते हुए घबरा तो नहीं जाता। ये हर एक चीज़ जो है ना, हर एक चीज़ देखी जाती है एमडी कैट को बनाते हुए, एमडी कैट को जिसे बोलते हैं स्केड्यूल करते हुए, उसको डिजाइन करते हुए। तो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका किया जाता है, एप्टीट्यूड आपका टेस्ट लिया जाता है कि क्या आप इन तमाम बातों के ऊपर पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब इसी तरीके से ये जो एटॉमिक नंबर की बात आपको बताई, तो यार इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है मास नंबर, मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड मास नंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन नंबर्स। ये इस बात को जहन में रखिएगा, ये हम लोग गलती करते थे, मैं खुद जब क्लास 9 में था और फर्स्ट ईयर में था तो हमें एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़ाई जाती थी कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, बाद में पता चला कि ये तो मास नंबर की डेफिनेशन है, एटॉमिक मास तो कुछ और अलग होता है, ठीक है, एटॉमिक मास तो कुछ अलग चीज होती है, ठीक है, एटॉमिक मास को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एटॉमिक मास को हम डिफाइन कर सकते हैं कि मास ऑफ एन एलिमेंट
कंपेयर टू दी वन ट्वेल्थ ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और एटॉमिक मास से फिर हमारे पास मुख्तलिफ और बातें निकलती हैं, जैसे कि हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, ये जो एटॉमिक मास की डेफिनेशन मैंने लिखी, यही डेफिनेशन आप कह सकते हो रिलेटिव एटॉमिक मास की है। ठीक है, यही डेफिनेशन किसकी है? रिलेटिव एटॉमिक मास की है। और ये बात कि भाई मास नंबर और एटॉमिक मास दो डिफरेंट क्यों है, तो आप इतनी सी बात को जहन में रखें कि आपने यकीनन कभी ना कभी किसी सब्सटेंस का एटॉमिक मास देखा होगा जो फ्रैक्शंस में होता है। ठीक है, जो फ्रैक्शंस में होता है। तो यार आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप एटॉमिक मास की डेफिनेशन पढ़ते हो कि इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो कौन सा प्रोटॉन या कौन सा न्यूट्रॉन जो है फ्रैक्शंस में एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, नहीं एग्जिस्ट करेगा ना। तो ये एटॉमिक मास अलग हो गया, मास नंबर अलग हो गया, इसकी बहुत सारी वैल्यूज तकरीबन सेम हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी वैल्यूज तकरीबन सेम हो जाती हैं, आप उनको सेम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आप लोगों के आगे एक बात कहूँ, यार पीरियोडिक टेबल आप लोग देखते होंगे, बचपन से देख रहे होंगे, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1.008 AMU लिखा हुआ, लेकिन आप लोग हमेशा उसको किस तरीके से यूज करते हो, वन राउंड ऑफ करके। तो बात यह है कि वन तो इसका मास नंबर, इसका एटॉमिक मास तो नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर एटॉमिक मास और मास नंबर की वैल्यू तकरीबन तकरीबन सेम होती है। दो कॉन्सेप्ट्स अलग हैं लेकिन वैल्यू तकरीबन तकरीबन सेम होती है। तो हम लोग वैल्यू के हवाले से परेशान नहीं होते, ना किसी को परेशान करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि भाई ये जरूर मालूम होना चाहिए कि मास नंबर इज समथिंग डिफरेंट एंड एटॉमिक मास इज समथिंग डिफरेंट। अब देखो भाई, एटॉमिक मास को आप लोग रिलेटिव एटॉमिक मास के तौर पे भी पढ़ सकते हो और इसको आप लोग एवरेज एटॉमिक मास के तौर पे भी पढ़ सकते हो। एवरेज एटॉमिक मास के लिए एक बकायदा फॉर्मूला बनता है और इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम लोग क्या बात डिस्कस करते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए, एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी आइसोटोप्स होंगे उनको कंसीडर करेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आइसोटोप्स, डिपेंड्स ऑन दी मास नंबर एंड अबेंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। किसी भी एलिमेंट के जितना आइसोटोप्स हैं, जितने स्टेबल आइसोटोप्स हैं, उनको किस तरीके से पढ़ें कि उनके मास नंबर और अबेंडेंस को डिस्कस करें, मास नंबर और अबेंडेंस को डिस्कस करें। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक सवाल लिखूं, अगर एमडीकेट के पैटर्न का, वैसे तो इसकी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल जो है आपको पंजाब बोर्ड की बुक में मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन एमडीकेट के हवाले से इसकी एक अच्छी सी एग्जाम्पल, ताकि आप लोगों को क्लियर हो ये बात
तो सवाल बनता है कि बोरॉन हैज टू स्टेबल आइसोटोप्स, ठीक है, द फर्स्ट वन हैज द एटॉमिक नंबर 12 जिसकी नेचुरल अबेंडेंस है 19%, और दूसरा गिवन है बोरॉन जिसका मास नंबर है 11 और इसकी नेचुरल अबेंडेंस दी हुई है 81%। आगे अगर मैं सवाल लिखूं कि द एटॉमिक मास, अब देखो दो आइसोटोप से दोनों का मास नंबर अलग अलग है, तो पीरियोडिक टेबल में क्या लिखेंगे? पीरियोडिक टेबल में तो एक वैल्यू लिखते हैं ना यार, यही तो मसला था ना। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में यही तो मसला था कि डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि वो बोल रहा था कि भाई मास नंबर के ऊपर, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है। फिर मॉसले ने कहा कि भाई एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, तो वो मसला हल हो गया था। लेकिन कैसे हल हुआ वो मसला? इसलिए हल हुआ क्योंकि जब आप एटॉमिक नंबर की बात करें तो तमाम आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर भले डिफरेंट है। तो यार एटॉमिक मास क्या पढ़ेंगे? तो एटॉमिक मास जो ऊपर लिखा होगा वो किस तरीके से पता चलेगा? तो यहाँ पे दैट शुड अपेयर फॉर, बोरॉन इन द पीरियोडिक टेबल इज, और ऑप्शंस गिवन है 10.8, ऑप्शन बी है 10.2, ऑप्शन सी है 11.2 और ऑप्शन डी है 10.0। अब भाई आपको अगर एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला पता है तो आप काम कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास का? एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला डिपेंड करता है ऑन द आइसोटोप्स गिवन, जितने आइसोटोप्स हैं उस लिहाज से फॉर्मूला होता है। जैसे कि इस वक्त अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला बनाऊं, तो भाई दो आइसोटोप्स हैं, हर आइसोटोप के लिए मास नंबर को मल्टीप्लाई कर दें उसकी अबेंडेंस, ठीक है, मास नंबर को मल्टीप्लाई कर दें उसकी अबेंडेंस से, और तमाम आइसोटोप्स को एक दूसरे के साथ कर दें सम अप, और टोटल वैल्यू को कर दें 100 से डिवाइड। अब बात यह है कि 10 × 19 इज 190, 11 × 81 इज तकरीबन तकरीबन 891, और ये डिवाइड बाय 100, तो 190 प्लस 891 कितना बना? 1081 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको सॉल्व किया तो ये क्या बना? 10.81। तो 10.81 के लिहाज से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुई ये बात आप लोगों को? होपफुली हुई होगी। यकीनन इस सवाल से काफी हद तक कुछ फायदा हुआ होगा। तो देखें भाई, हमने डिस्कस किया एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ये तमाम बेसिक बेसिक डेफिनेशन हमने डिस्कस किया। अच्छा, एक डेफिनेशन है मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, इस डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं बता दूं कि जो एटॉमिक मास ऊपर आप लोगों ने लिखा है, जिसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है AMU, और यही यूनिट एवरेज एटॉमिक मास का भी होता है। तो यार ये AMU है क्या? AMU की वैल्यू पंजाब MDCAT में काफी दफा पूछी जा चुकी है, ठीक है, और नेशनल लेवल पे अगर टेस्ट होता है तो ये बात लाजमी है कि फिर हर किसी को मालूम होनी चाहिए। 1 AMU की वैल्यू होती है 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 24 ग्राम्स,
या फिर आप इसको किलोग्राम्स में पढ़ते हैं तो 1.66 एक्सपोनेंट माइनस 27 किलोग्राम्स। ये वैल्यू पंजाब के यूएचएस टेस्ट में काफी दफा मैंने पूछी जाते हुए देखी है, यूएचएस के पास पेपर्स में। ठीक है भाई, समझ में आ रही है ये बात? तो एक ये बात हुई। अच्छा, मैंने लिखा था मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से यार बच्चों याद रखो कि इट इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस। ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। इससे दो काम की बातें पता चलती हैं। फर्स्ट ये कि सिर्फ मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास पढ़ा जाएगा, यानी कि जहां पे इंडिविजुअल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता हो। किसका? यानी कि इसका मतलब है कोवलेंट कंपाउंड्स का। मॉलिक्यूलर मास की टर्मिनोलॉजी कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए होगी। क्यों? क्योंकि दे कैन एग्जिस्ट एज अ सिंगल या फिर कह लें डिस्क्रीट या फिर कह लें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। कोवलेंट कंपाउंड्स में अकेला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है तो मॉलिक्यूलर मास पढ़ा जाएगा। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट अगर देखें तो भाई इसमें मैथमेटिकल सम हो रहा है एटॉमिक मासेस का, कोई नई चीज नहीं हो रही। तो जो एटॉमिक मास का यूनिट है वही मॉलिक्यूलर मास का यूनिट है, यानी के एएमयू। समझे भाई बात? इस पे बड़ी एक मजेदार सी बात आप लोगों के आगे डिस्कस कर लेता हूँ, एक मजेदार सा एमसीक्यूज कर लेता हूँ डिस्कस, कि द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनएसीएल इज ऑप्शन ए 40 एएमयू, ऑप्शन बी 58.5 एएमयू, ऑप्शन सी 60 एएमयू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीस। तो भाई क्या होगा आंसर? बहुत आसान सवाल है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि एनएसीएल तो एक आयोनिक कंपाउंड है और मॉलिक्यूलर मास की टर्मिनोलॉजी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ी जाती है? कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, किसके लिए पढ़ी जाती है? सिर्फ और सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए। तो आयोनिक कंपाउंड्स के लिए क्या पढ़ा जाएगा? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ा जाएगा फॉर्म्यूला मास। आयोनिक कंपाउंड्स के लिए क्या पढ़ा जाएगा? फॉर्म्यूला मास। फॉर्म्यूला मास की डेफिनेशन में यहीं पे लिख देता हूं, फॉर्मूला मास की डेफिनेशन बनती है कि सम ऑफ दी एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा एएमयू, और ये फॉर्मूला मास किसके लिए पढ़ा जाएगा? ओनली फॉर आयोनिक कंपाउंड्स, बिकॉज आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट एज अ सिंगल मॉलिक्यूल। तो जब ये सिंगल मॉलिक्यूल के तौर पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते,
तो मॉलिक्यूलर मास भी नहीं पढ़ा जा सकता, फिर इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला यूनिट होता है, और फॉर्मूला यूनिट का जो मास होगा वही फॉर्मूला मास पढ़ा जाएगा। ये तमाम बातें हमने पढ़ी। तो भाई बात ये बनती है कि जब आप ये तमाम डिस्कशंस कर रहे होते हैं तो इन डिस्कशंस में आप एमडी कैट लेवल पे अगर जाते हैं, एमडी कैट लेवल पे आपसे बातें जो मजीद पूछी जा सकती हैं उनमें एक बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरे भाई बात ये बनती है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ा कैसे जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से सबसे पहले तो एक बात जहन में रखें कि जब भी आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो कैलकुलेशन करते हुए सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखा जाता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि अगर फिगर सिग्निफिकेंट ना हो तो हमारी कैलकुलेशन में बहुत सारे मसले हो सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन ये बनती है कि दे आर डिफाइंड एज द रिलायबल डिजिट्स इन अ नंबर known with certainty। किसी भी नंबर में जो काबिले एतबार डिजिट्स होते हैं, मोतबर डिजिट्स, मोतबर हिंसे, ठीक है, काबले एतबार जिन पे भरोसा किया जा सके, जो हमें धोखा बिल्कुल ना दें, तो काबले एतबार हिंसे, मोतबर हिंसों को हम लोग क्या नाम देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से पास्ट एमडीकेट में सवालात को देखें तो बहुत सारे सवालात मिलते हैं कि आपको कोई नंबर दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो कितने हैं। तो भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग लगाते हैं कुछ रूल्स, वो रूल्स के ऊपर जो बातें पूरी उतरेंगी, जो उन रूल्स को फॉलो कर रहा होगा उसी के मुताबिक हम बताते हैं कि भाई कौन सिग्निफिकेंट फिगर है और कौन नहीं। सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से रूल नंबर वन, पहली बात कि भाई नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स होंगे वो तमाम के तमाम सिग्निफिकेंट होंगे, उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट नहीं। ऐसा हम लोग फिलवक लिख तो रहे हैं कि जीरो इज अ नॉन सिग्निफिकेंट, लेकिन भाई कुछ मामलात में जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है। वो क्या मामलात है, जीरोस बिटवीन नॉन जीरोस,
आर सिग्निफिकेंट। अब ये क्या बात हुई, ये बात कुछ इस तरीके से कही गई या कही जाती है, कही जा सकती है कि मैंने लिखा 2003। आप में से अक्सर की जो इस साल एमडीकेट दे रहे हैं उनमें से अक्सर की ये डेट ऑफ बर्थ या फिर इससे आगे की होगी, मेरे ख्याल से 2003। तो भाई इसमें जो दोनों जीरोस हैं वो दो नॉन जीरोस के दरमियान है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, लेकिन ये दोनों जीरोस है। इन दोनों जीरोस को इस वक्त हम काउंट करेंगे क्योंकि दे जीरोस आर बिटवीन नॉन जीरोस। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 4। ये एमडी गेट में पूछा जाएगा कि नंबर दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरीके से एक पॉइंट एक रूल ये बनता है कि जीरोस लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन नंबर लेस देन 1 आर नॉन सिग्निफिकेंट। इससे क्या मुराद है जरा देखें, इससे मुराद ये है कि अगर मैं लिखूं 0.001 तो वो तमाम जीरो जो डेसिमल के पास हों और नंबर के लेफ्ट साइड पर हों, अगर वो नंबर लेस देन 1 है, अगर वो नंबर लेस देन 1 है तो वो तमाम जीरोस काउंट नहीं होंगे। यानी 0.001 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। मैं कहूँ 0.0512 तो इन दोनों जीरोस को काउंट नहीं किया जाएगा। तो 512 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं यहाँ पे नंबर लिखूँ 0.00502 तो भाई ये तीनों जीरोस तो इग्नोर कर दिए, लेकिन ये जीरो काउंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि दिस जीरो इज बिटवीन नॉन जीरोस, दिस जीरो इज बिटवीन नॉन जीरोस। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिर आगे 0s टू द राइट ऑफ अ डेसिमल इन अ नंबर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 1 आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई नंबर बजात खुद 1 लिखा गया हो या 1 से बड़ा हो तो डेसिमल पॉइंट की राइट हैंड साइड पर मौजूद जो जीरो होते हैं वो तमाम सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 2.000, राइट पे जीरो से डेसिमल की राइट पे जीरो से नंबर ग्रेटर देन 1 है, नंबर ग्रेटर देन 1 है, टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर मैंने लिखा है कहीं पे 506.320 तो भाई राइट साइड पे जीरो, ये भी काउंट हो गया, ये जीरो बिटवीन टू नॉन जीरोस हो गया। तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बातें और आती, मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों के अगर आगे लिखता हूँ 6.02 एक्सपोनेंट 23 तो इट इज एन साइंटिफिक नोटेशन। आप लोगों को तो पता होगा ना, एक होती है ऑर्डिनरी नोटेशन, एक होती है साइंटिफिक नोटेशन।
एक्सपोनेंट्स में जब भी वैल्यू लिखी जाती है तो ये होती है साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से अगर आप लोग देखें, तो जो भी एक्सपोनेंट है उसको कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, यानी कि उसको काउंट नहीं किया जाएगा। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैं अगर लिखूं 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, तो एक्सपोनेंट को इग्नोर कर दो, कितने बचे? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स बचे। समझे वही बात? यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से डिस्कशन करने के बाद एक और बात आती है पढ़ने के लिए, उसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। ठीक है जी, अब राउंडिंग ऑफ डेटा के हवाले से एक सबसे आसान सी डेफिनेशन ये बनती है, टू रिड्यूस अ नंबर। राउंडिंग ऑफ किसे कहते हैं? किसी नंबर को रिड्यूस कर, और इस रिड्यूस करने के कुछ रूल्स होते हैं। किसी नंबर को रिड्यूस करने के कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स की बेसिस पर हम किसी नंबर को रिड्यूस करते हैं। ऐसे ही रैंडमली रिड्यूस नहीं करेंगे। रूल्स क्या होंगे भाई? इसके होते हैं 3 रूल्स। राउंडिंग ऑफ डेटा के होते हैं ओवरऑल 3 रूल्स। वो रूल्स क्या क्या हैं? उन रूल्स में ज़रा बात को सुने। उन रूल्स में एक रूल ये बनता है कि आप जिस डिजिट को राउंड ऑफ करने जा रहे हैं वो लेस देन 5 हो। दूसरा क्या बन सकता है? कि जिस डिजिट को राउंड ऑफ करने जा रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 हो। और क्या बन सकता है? अरे भाई वो खुद 5 हो। तब इसमें हम ये कहते हैं रूल्स अगर आप डिस्कस करें, कि इफ अ डिजिट टू बी राउंड ऑफ इज लेस देन 5, देन अब क्या करें? अगर आपको कोई नंबर रिड्यूस करना है और वो नंबर क्या है, 5 से कम है, लेस देन 5, तो हम क्या करेंगे? देन रिप्लेस इट विद 0। या फिर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि हमारे सिंध बोर्ड की बुक्स के अंदर जो ये डिस्कशन बनता है वो ये बनता है कि 0 रिप्लेस ना किया जाए। ठीक है, 0 से रिप्लेस ना किया जाए, आप सिंपली उसको ड्रॉप कर, ठीक है, आप सिंपली उसको ड्रॉप कर। तो फॉर एग्जांपल आप उस पॉइंट को देखें, ठीक है, इफ आर डिजिट इज लेस देन 5 देन ड्रॉप इट। ये थोड़े से डिफरेंट डिस्कशन है, क्योंकि इससे फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन में फर्क आता है। ठीक है, इफ
a digit is greater than 5, then add 1 to the retained digit. रिटेन से मुराद उससे पहले जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ करने जा रहे हैं उससे पहले जो डिजिट है उसको उसमें प्लस वन करते हैं। रूल नंबर 3 कि इफ अ डिजिट इज 5, इफ डिजिट इज द अ डिजिट, इफ डिजिट इज 5 फिर क्या करें, देन आपने करना है रिटेन डिजिट को देखना, देन ऑब्जर्व रिटेन डिजिट यानी 5 से पहले वाले डिजिट को देखें। अगर रिटेन डिजिट अगर रिटेन डिजिट कोई इवन है 2, 4, 6, 8 तो फॉलो रूल 1 यानी लेस देन 5, लेस देन 5 का रूल फॉलो कर। अगर रिटेन डिजिट ऑड है तो ग्रेटर देन 5 यानी के रूल 2 को फॉलो किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे रहते हुए बात करूं, वरना अक्सर औकात मैं तो ये कहता हूं कि भाई रिप्लेस इट विद 0 वाली बात को मैं फॉलो करता हूं। लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिखा है 2.37 और 5, 8 तो भाई 2 को राउंड ऑफ करना है, ये लेस देन 5 है तो सिंपली ड्रॉप कर दें, ये बन गया 2.3758। ठीक है जी, 8 को अगर आप देखें तो 8 ग्रेटर देन 5 है तो यहां पे प्लस 1 हो गया, तो ये हो गया 2.376। 6 ग्रेटर देन 5 है तो ये हो गया 2.38, रिटेन डिजिट में 1 ऐड हो गया। फिर क्या हो गया, ये भी ग्रेटर देन 5 है तो रिटेन डिजिट में 1 ऐड हो गया 2.4। 4 को क्या करते हैं, तो ये 4 लेस देन 5 है तो ये सिंपली ड्रॉप हो जाएगा, ये 2 बन गया। इसी तरीके से अगर कहीं लिखा हो 2, 5 तो 5 को राउंड ऑफ करना है, 5 को राउंड ऑफ करने के लिए रिटेन डिजिट देखते हैं, रिटेन डिजिट क्या है, इवन है तो इसको ड्रॉप कर दें, 2.352 हो गया। फिर ये लेस देन 5 है इसको भी ड्रॉप कर दें, 2.35 हो गया। अब 5 को राउंड ऑफ करना है तो रिटेन डिजिट देखें ऑड है तो इसको ड्रॉप करते हुए यहाँ पे प्लस 1 कर दें, ये हो गया 2.4, 4 लेस देन 5 था तो ये। ठीक है भाई, होपफुली यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर हुई होंगी। ये एक बहुत ही छोटा सा डिस्कशन हमने इस चैप्टर के हवाले से किया है, अभी काफ़ी सारी बातें इस चैप्टर में मौजूद है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।